हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सा पैरासा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर। सो गाइस, टुडेज अवर टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अर्लियर वी डिस्कस अबाउट ओनली हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यहाँ पर अगर फॉर्मुलेट किया जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोट बाय स्मॉल सी, एंड दैट सी इज इक्वल टू सिंपल हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो नॉर्मल हीट कैपेसिटी थी वहाँ पर हमने कोई पर्टिकुलर मास नहीं लिया था, बट यहाँ पर हमें पर्टिकुलर मास लेना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट? ओके, सीरीज की लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मूला देखी थी वो फॉर्मूला अगर लिखी जाए तो डेल्टा क्यू, सो डेल्टा क्यू, और वी कैन राइट हियर वेदर इट इज नॉट डेल्टा क्यू, ओनली क्यू, हीट एनर्जी, राइट? सो हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर राइज, जो भी हम लोग टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं वो, पुटिंग दिस फॉर्मूला इन टू हियर, सो सी बिकम्स Q अपॉन एम डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला में से Q को सब्जेक्ट बना दूँ तो Q becomes Q is equal to एम सी डेल्टा टी, एंड सी हियर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट? तो स्पेसिफिक के हीट कैपेसिटी में हमें मास को बराबर का इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, राइट? ओके, अब यहाँ पर फिर से वापस इस फॉर्मूला में चले जाते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर है तो उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू पहले क्यू, क्यू को हम लोग कैलोरी ले सकते हैं, एम मास विच इज किलोग्राम। यहाँ पर कैलोरी अगर लिया है तो सीजीएस में उसको ग्राम लिखेंगे, एंड हियर डेल्टा टी विच इज अवर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, राइट? अगर ऐसे में लिखा जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा, यहाँ पर यूनिट होगा जूल, के जी इनवर्स, यहाँ पर भी इनवर्स आएगा डिग्री या फिर केल्विन इनवर्स। ये पूरा यूनिट मैंने एसआई में कन्वर्ट कर दिया, राइट? और ये हमारा सीजीएस में हुआ, कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, राइट? ओके, वी नो दैट वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। इट इज दिस सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम, राइट? एंड सेल्सियस एंड केल्विन, उन दोनों के बीच का जो कन्वर्जन है तो सेल्सियस है, तो अगर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा तो +273। तो सबका यहाँ पर कन्वर्जन हो सकता है, राइट? सो दैट्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग कि हीट एनर्जी बिन अप्लाई फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज फॉर पर्टिकुलर मास सब्सटेंस, दैट एनर्जी दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो एनर्जी गिवन टू दिस सब्सटेंस पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट की, सो दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो लेक्चर्स टिल द एंड, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल।